आप जब सुकून से बैठ के यूट्यूब में वीडियोस या फिर मूवीज देखते टाइम व्हाट्सएप का पॉपअप नोटिफिकेशन आपको परेशान कर देता है इस तरह, मेरे को तो परेशान कर देता है, आपको भी इस तरह यूट्यूब में वीडियोस या फिर और भी कुछ फ़ोन में काम करते टाइम पॉपअप नोटिफिकेशन परेशान करता है तो कैसे उसको डिसेबल कर सकते हैं? दो मेथड मैं आपको बताऊंगा। पहले तो पॉपअप नोटिफिकेशन कैसे डिसेबल कर सकते हैं, उसके अलावा पूरा जो भी व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन अगर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो कैसे डिसेबल कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। सबसे पहले पॉपअप नोटिफिकेशन डिसेबल करने के लिए व्हाट्सएप का तीन डॉट ऑप्शन क्लिक करके सेटिंग्स ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे तीसरे वाला ऑप्शन नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन टोन सेट करने के लिए, वाइब्रेशन सेट करने के लिए और पॉपअप नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन लाइट सेट करने के लिए सब ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़े आपको नीचे जाना है तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा यूज़ हाई प्रायोरिटी नोटिफिकेशन, इसको डिसेबल कर देना है। बस इतना काम करना है, उसके बाद जितना भी आपको व्हाट्सएप मैसेज आएगा तो पॉपअप नोटिफिकेशन ओके नहीं आएगा, आपको परेशान नहीं करेगा। जो भी मैसेज आएगा तो आप देखना चाहते हैं तो क्विक सेटिंग को नीचे लाना इस तरह, उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी मैसेज आया देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्विक सेटिंग में भी आपका व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ना दिखाए तो आप फ़ोन का सेटिंग्स ओपन कर सकते हैं, पूरा जो भी व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है वो सब डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐप्स एंड नोटिफिकेशन नाम के एक ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करना है। उसके बाद व्हाट्सएप सेलेक्ट करना है उसके अंदर, फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन में जाना है, फिर शो नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल कर देना है। इतना ही करना है, उसके बाद जो भी व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग में आता है वो भी आपको नहीं आएगा। अगर ये भी सेटिंग करना चाहते हो तो कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नए वीडियो में। शुक्रिया।